18 वर्ष पुराने नाबालिग के अपहरण मामले में आज दो लोगों को सुनाई सजा। बड़ी धौलपुर की प्रमुख खबर। अपर सेशन न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए नाबालिग के अपहरण को लेकर सुनाई सजा। सन 2004 में नाबालिग का किया गया था अपहरण। लगभग 18 वर्ष पुराने मामले में चार आरोपियों के खिलाफ हुआ था बाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज। मुख्य आरोपी रामभरण को 2007 में दुष्कर्म व अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की हुई थी सजा। आज शेष दो आरोपियों दया सिंह पुत्र दुली राम एवं राम खिलाड़ी पुत्र जवान सिंह को धारा 363 एवं 366 दोषी मानते हुए दो अलग अलग सजाएं दी गई हैं, जिनमें एक मामले में 3 वर्ष कारावास 10,000 अर्थदंड तथा दूसरे मामले में 5 वर्ष की सजा तथा 20,000 रूपए आर्थिक दंड से दंडित किया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभी तक जेल में गुजारे समय को सजा के समय में से कम कर दिया जाएगा। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। एसपी के यहाँ सन 2004 में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि मेरी नाबालिग बच्ची को मुलजिम दया सिंह, मान सिंह, राम खिलाड़ी और रामभरण बहला फुसला कर ले गए। इस पर क्या हुआ कि गांव वालों ने पंचायत की और ये कहा कि तेरी बच्ची को हम वापस करा देंगे, लेकिन वो बच्ची वापस नहीं लौटी। तब एसपी ने इसको रिपोर्ट दर्ज की और रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत मुलजिम रामभरण के खिलाफ चालान पेश किया, जिसमें उसे 363, 366 और 376 का आरोपी अदालत ने माना और उसको सजा हुई। अब क्या हुआ कि तीन मुलजिम अन्य और थे जिसमें इसका सहयोग किया था मुलजिम का, ये गिरफ्तारी से बाहर थे, इनके खिलाफ। लंबे समय से फरार वारंटी कंचनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कंचनपुर बड़ी की प्रमुख खबर। पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत एवं जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा के निर्देशन में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। आज कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी सुनहरी लाल जाटव पुत्र चिरंजीव लाल निवासी गडरपुरा पेदावली थाना कंचनपुर को कंचनपुर चौराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वारंटी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार के साथ जलवीर सिंह, एएसआई योगेंद्र सिंह एवं राजेश कुमार कांस्टेबल शामिल रहे। एंटी करप्शन ब्यूरो करौली की टीम पर हुआ हमला, आरोपी हेड कांस्टेबल छूटकर भागा। धौलपुर की प्रमुख खबर। गत देर रात्रि 10 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कस्बा के गौशाला स्थित भ्रष्टाचार के मामले में एक वर्ष से फरार चल रहे वांछित पुलिस हेड कांस्टेबल विनोद कुमार को गिरफ्तार करने उसके निवास पर पहुंची, जहां एसीबी की टीम ने अभियुक्त को पकड़ लिया तथा जैसे ही गाड़ी में बिठाया तो मोहल्ला के आसपास के लोग एकत्रित हो गए तथा एसीबी की टीम के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान मौका पाकर आरोपी कांस्टेबल वहां से भागने में सफल रहा। घटना में एसीबी करौली के उप अधीक्षक अमरचंद सहित दो कांस्टेबल घायल हुए बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के बाद करौली एसीबी की टीम ने गुरुवार देर रात को निहालगंज थाने में केस दर्ज कराया। दो माह पूर्व बनाया नाला मामूली बरसात में हुआ धराशायी, ग्रामीणों में रोष। सैपो की प्रमुख खबर। पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नुनहेरा के ग्रामीणों ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत के खिलाफ प्रदर्शन किया। गांव में दूषित पानी की निकासी के लिए बीते करीब दो माह पूर्व लाखों रुपए की लागत से बनाया गया नाला एक ही बरसात से धराशायी हो गया है। ग्राम पंचायत की ओर से कराए गए नाले के निर्माण को लेकर लोगों ने घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीण शैलेंद्र, सत्यप्रकाश, राजेश, रणवेंद्र आदि ने बताया कि गांव नुनहेरा में जल भराव की समस्या वर्षों से चली आ रही थी, जिसको लेकर स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा करीब दो माह पूर्व दो नालों का निर्माण कार्य करवाया गया, लेकिन ग्राम पंचायत की मनमानी के चलते दोनों ही नालों का बेहद ही घटिया निर्माण कराया गया है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कई बार स्थानीय सरपंच को भी मामले से अवगत कराया गया, लेकिन सरपंच की हठधर्मिता के आगे ग्रामीणों की पेश नहीं आई और नाले का घटिया निर्माण
कार्य पूर्ण करा दिया गया, जिसका नतीजा यह निकला कि मानसून की पहली बरसात से ही नवनिर्मित नाला टूटकर धराशायी हो गया और लाखों रुपया पानी की तरह बह गया। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत पंचायती राज विभाग से लेकर स्थानीय शासन प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थानीय ग्राम पंचायत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों का मनोबल टूट चुका है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। सैपो से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। मैं नुनहरा से आ रही वाली रास्ता पर जो नाले का निर्माण किया गया है वो बिल्कुल घटिया सामग्री लगाई है। टेक्निकल मापदंडों का इसमें प्रयोग नहीं किया गया और सरपंच से भी कहा कि ऐसे मत करवाओ, पर सरपंच ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे पहली बारिश में ही नाला ध्वस्त हो गया और इससे गांव में कचरे का आलम बना हुआ है। मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। इस चीज़ की हमने उच्च अधिकारियों तक शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश परमार है। ये जो नाला बनाया गया है इसमें किसी प्रकार से इन्हें बहुत लापरवाही बरती है, ना तो सामान ढंग से लगाया है और ना इसे किसी भरपाई कर पाई। यदि वर्षा होने पर ये नाला ध्वस्त हो गया और यहाँ के वातावरण खराब हो रहा है, यहाँ के ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। इसको इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दी, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है उच्च अधिकारियों से अपने इस काम को किसी तरीके से निपटाएं, ग्राम वालों की समस्या का समाधान करें। क्या नाम है आपका? राम निवास लहरी। सशक्त मंडल सक्रिय बूथ समिति मजबूत पन्ना प्रमुख जीत का मूल मंत्र है। मुकेश दादिश, धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कार्यालय पर जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्य समिति बैठक का शुभारंभ वंदे मातरम और भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्य समिति की बैठक में प्रदेश संगठन की तरफ से संभाग प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिश, जिला संगठन प्रभारी पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म सम्मिलित हुए। कार्य समिति बैठक के प्रथम सत्र में जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा द्वारा जिले में संगठन द्वारा किए गए कार्य और गतिविधियों का व्रत सभी के सम्मुख रखा। जिला महामंत्री पूर्व विधायक सुखराम कोली द्वारा जिले के वर्तमान परिदृश्य पर राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया। जिला संगठन प्रभारी जवाहर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को जब पहली बार केंद्र की सत्ता संभाली थी तब देश निराशा के वातावरण से गुजर रहा था, भ्रष्टाचार चरम पर था। आज यह गर्व की बात है कि मोदी सरकार में बीते 8 वर्षों में एक भी घोटाला नहीं हुआ। संभाग प्रभारी कार्य समिति के मुख्य वक्ता मुकेश दादिश ने कहा कि 2023 का चुनाव पूरी तरह से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत से जीता जाएगा। जिला कार्य समिति बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, पूर्व विधायक रानी कोली, जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, जिला उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी, सुरेश कौशिक, विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार, सह प्रभारी जयवीर पोसवाल, डॉक्टर मनोज शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर हेम सिंह लोधा, युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया, एससी मोर्चा अध्यक्ष विक्रम ससौदिया, नेता प्रतिपक्ष कुकू शर्मा, मधुसूदन शर्मा। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्रवण कुमार वर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष और भरतपुर संभाग के प्रभारी और हम सभी के चहेते आदरणीय मुकेश दादिश जी, हमारे पूर्व राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री जिला संगठन प्रभारी आदरणीय मैडम साहब, हमारे बछेड़ी के पूर्व विधायक रानी कोली जी, रायाखेड़ा के पूर्व विधायक श्रद्धेय मनोरमा सिंह जी, मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला महामंत्री भाई सत्येंद्र पारासर जी, हमारे बाड़ी विधानसभा के प्रभारी प्रशांत सिंह परमार जी, जिले में उपाध्यक्ष और बछेड़ी विधानसभा के प्रभारी आदरणीय कमल पाड़िया जी, नगर परिषद धौलपुर में हम सभी की आवाज़ को उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कुकू शर्मा जी, हमारे जिले के सभी। बिल्कुल।
बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मरते मरते बचे ग्रामीण, धौलपुर की प्रमुख खबर। मांगरोल के पास परसोंदा ग्राम में 11,000 केवी की लाइन का तार टूटकर चरी के खेत में काम कर रहे युवक हंसराम के हाथ पर गिर पड़ा। उसी क्षण बिजली का जाना हुआ तो उसे ग्रामीणों ने वहां से खींचकर बाहर निकाला। उसके बाद प्राथमिक उपचार में जो बना वह कर उसे धौलपुर अस्पताल में लेकर आए। जो ये तार लगाए गए हैं उसमें बीच में लट्ठे की जरूरत है, पर बिजली विभाग के लोगों ने जबरदस्ती से दोनों तारों के बीच में अधिक जगह छोड़कर कम लट्ठों को लगाया गया है, जिसका भार ज्यादा होने के कारण तार बार बार टूट रहा है। पीड़ित हंसराम के पिताजी राम बाबू का कहना है कि यही बिजली का तार कुछ समय पहले भी टूटा था, पर सूझबूझ के कारण हादसा टला था। अब इस बार मनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। अगर सही तरीके से इन तारों को नहीं जोड़ा गया तो मैं कोर्ट का सहारा लूंगा व बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से भी शिकायत करूंगा। धौलपुर से जयसिंह गुर्जर की रिपोर्ट। हमारे घर के पास डीपी है, किसान डीपी में तार टूटे हो, हमारा बच्चा इसमें न्याल ले रहे हो, उसमें करंट फैले हो घर में, पूरे खेत में हमारा बच्चा पकड़ लो, बच्चा है हमारे 3-4 पटे लग गई और हमारे चौपे फोपे सब खत्म रह गए होते ही, और सब हमारे बहुत खतरवाई बात है। झंड आई बच्चा का इलाज चल रहा धौलपुर, और धौलपुर इलाज चल रहा बच्चा को भत्ती है हमारे पास, मतलब इसका धरा है, 3 दिन से दवाई करा रहे है। नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ शुरू, निकाली कलश यात्रा। मनिया कस्बे में अग्रवाल धर्मशाला मांगरोल रोड से शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। शांति कुंज की टोली द्वारा विधि विधान से कलश पूजन करवाकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य बाजारों से होती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां पर वेद माता गायत्री एवं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती देवी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कलश स्थापना की गई। शांति कुंज टोली द्वारा गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं उद्देश्य मनुष्यों में देवत्व एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए मानवता में संस्कार स्थापित करने के लिए ग्रहे ग्रहे गायत्री यज्ञ एवं गायत्री साधना करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम सप्त सूत्री आंदोलन आदि के बारे में जानकारी दी गई। शाम 7 बजे से 9 बजे तक प्रवचन होंगे एवं दिनांक 25 जून 2022 को प्रातः 8 बजे से 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ होगा एवं शाम 7 बजे से विराट दीप यज्ञ का आयोजन होगा। कार्यक्रम में गायत्री परिवार के परिजन एवं मनिया के भाई बहनों ने भाग लिया, जिसमें आयोजन समिति मनिया के मुन्नालाल शर्मा, राजेश शिकरवार, विनोद सोनी, श्रीमती प्रवेश प्रजापति, चंद्रमोहन सोनी, राहुल जैन, श्रीमती सीमा गुप्ता, हरीश चंद सिंघल, रूपेश सोनी, सुशील कुमार दीक्षित, योगेश बंसल, आकाश एवं धौलपुर गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी सुरेश चंद शर्मा, सहायक मुख्य ट्रस्टी धीर सिंह जादौन, नारायण सिंह यदुवंशी, श्रीमती प्रतिभा गुप्ता ट्रस्टी, कैलाश चंद तोमर समन्वयक, मलखान सिंह ट्रस्टी, नेमी चंद अग्रवाल, श्रीमती मनोज कुमारी दीपाली, श्रीमती कुसुम, दक्ष कुमार शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, नत्थीलाल, संजय कमठान तथा काफी संख्या में गायत्री परिजन उपस्थित रहे। प्रशासन गांव के संग अभियान फॉलोअप शिविर का हुआ आयोजन, सरमथरा की प्रमुख खबर। आज दिनांक 24 जून को सरमथरा उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव के निर्देशन में प्रशासन गांव के संग अभियान 2022 शिविर का आयोजन पंचायत समिति सरमथरा में हुआ, जिसमें पेंशन योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग, स्वच्छ भारत मिशन योजना, राजस्व भूमि पट्टा आदि से संबंधित आदि सभी विभागों की उपस्थिति में जन सुनवाई कर कार्य निस्तारण किए गए। सुनवाई के दौरान विकास अधिकारी राजेश शर्मा, सहायक अभियंता शिव सिंह मीणा, सिंटू मीणा, जलदाय विभाग राधेश्याम मीणा, चिकित्सक विभाग डॉक्टर सचिन कुमार गर्ग, आयुर्वेदिक मुकेश शर्मा आदि सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी शिविर में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस अभियान में लोगों के प्रति रुचि नहीं दिख रही, बहुत ही कम लोग शिविर में पहुंचे। सरमथरा से रिपोर्टर शिवम दीवान की रिपोर्ट।
हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पांडे 2 दिन रहेंगे धौलपुर। इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर से खास खबर, डॉक्टर आर के पांडे MD DM इस माह 25 जून शनिवार की शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे एवं 26 जून रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोगी, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर के पांडे से धौलपुर में एरोविक फिजियोथेरेपी सेंटर कार्डिक ICU के सामने हॉस्पिटल रोड धौलपुर पर परामर्श ले सकते हैं। धौलपुर से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। क्रिसिल फाउंडेशन CFL धौलपुर के द्वारा वित्तीय साक्षरता कैंप का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, ग्राम पंचायत जलालपुर में क्रिसिल फाउंडेशन CFL द्वारा चल रहे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में आर सेठी डायरेक्टर, RP वर्मा मैनेजर, मदन ने ग्रामीणों को सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व डिजिटल बैंकिंग विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर प्रभारी मलखान सिंह गुर्जर ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जुड़ने की अपील की। उपस्थित लोगों को सभी योजनाओं से जोड़ा गया। शिविर में भानु शर्मा FC सैपव व पिस्ता देवी FC राजाकेड़ा, DEO आमिर खान व बैंक BC गुड़िया, राजवीर शास्त्री, टैनी, विवेकानंद, राम प्रकाश, मनोज कुमार, रामकेश, मीनू, ऊषा आदि ग्रामीण मौजूद रहे।